हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमबीपीएससी प्रीलिम्स 19 जून के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनके साथ में उनके फर्स्ट राजा, लास्ट राजा और उसके बाद उनकी जो कैपिटल्स या राजधानी है, राजधानियां कहाँ कहाँ पर रही, उनके बारे में कुछ बहुत ही बेसिक शॉर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे शुरुआती जो राज्य हुए, सबसे शुरुआती जो स्टेट एस्टैब्लिश हुए, इट्स कॉल्ड द प्रद्योता डायनेस्टी। चंद्र प्रद्योता वहाँ के एक इंपॉर्टेंट राजा थे। ये आप बोल सकते हैं कि ये जो महाजनपद पीरियड था उसके कंटेम्प्री थे। तो चंद्र प्रद्योता कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग। और आखिरी जो राजा की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है पालक के बारे में, उनका आखिरी राजा था और इनकी राजधानी हुआ करती थी अवंती। फिर नागवंश है, जिसके पहले राजा थे वृषनाग और आखिरी राजा हुए गणपति नाग। इनका कैपिटल शुरू में विदिशा और विदिशा के बाद कैपिटल ट्रांसफर हुआ इनका पद्मावती या ग्वालियर के पास में। तीसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इट्स कॉल्ड द वकातक डायनेस्टी और विंध्य शक्ति इसके पहले राजा थे। पृथ्वी से आपका पृथ्वी सेन थर्ड सेकंड वाज द लास्ट किंग। उसके बाद इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी नागपुर हुआ करती थी, इट्स कॉल्ड द नंदीवर्धन या नागपुर रीजन इनका कैपिटल हुआ करती थी। फिर ओलिका डायनेस्टी, जहाँ के पहले राजा जयवर्मन माने जाते हैं। आखिरी राजा के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और कैपिटल हुआ करती थी मंदसौर। फिर बल्ह स्टेट हुआ करता था बाघ के आसपास के रीजन के अंदर, हम बाघ रिवर के आसपास। सुबंधु नाम के राजा की जानकारी मिलती, कैपिटल बल्क। आखिरी राजा के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। फिर परिव्राजक डायनेस्टी है, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी जिसके पहले राजा थे देवादय और आखिरी राजा हुआ करते थे सर्वनाग। नागोद और जसो, ये दो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पहले नागोद और उसके बाद जसो। फिर पांडव डायनेस्टी हुआ करती थी, जयबल नाम के एक राजा थे और आखिरी राजा हुए आपके भरतबल और अमरकंटक के पास में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। एक डायनेस्टी थी बोधि डायनेस्टी, बोधि डायनेस्टी श्री बोधि ने एस्टैब्लिश की और शिव बोधि उसके लास्ट राजा थे। और त्रिपुरी राष्ट्रकूट और इनके कंटेम्परी थी। नागबट फर्स्ट पहले राजा थे और यशपाल जो है इनके आखिरी राजा थे। शुरुआती कैपिटल उज्जैन, देन कन्नौज और उसके बाद गोपागिरी मतलब ग्वालियर फोर्ट के आसपास इनका कैपिटल हुआ करता था। फिर कलचुरी ऑफ माहेश्वति आपको हुए, दो इंपॉर्टेंट कलचुरी थे मध्य प्रदेश में, कलचुरी ऑफ त्रिपुरी और कलचुरी ऑफ माहेश्वति। कलचुरी ऑफ माहेश्वति जो है पहले राजा थे उनका नाम था सुबंधु और आखिरी राजा का नाम था बुद्धराज और कैपिटल हुआ करता था इनका मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के अंदर आपको महेश्वर। फिर त्रिपुरी ऑफ कलचुरी हुए, इन्हीं के जो वंशज थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। बुद्धराज वॉज द फर्स्ट किंग और त्रिलोक्यलम वॉज द लास्ट किंग। त्रिपुरी के अंदर इनका जो राजधानी है, त्रिपुरी के अंदर इनका राजधानी हुआ करता था। उसके बाद परमार डायनेस्टी हुई, परमार डायनेस्टी के पहले राजा थे उनका नाम था उपेंद्र और आखिरी जो राजा थे उनका नाम था महलक देव। धार इनका राजधानी हुआ करता था। साथ ही कच्छपघात की डायनेस्टी हुई, कच्छपघात डायनेस्टी की तीन ब्रांचेस थी, कच्छपघात ऑफ द ग्वालियर, कच्छपघात ऑफ द नरवर और कच्छपघात ऑफ द दूपकुंड। तो कच्छपघात डायनेस्टी आपके जो ग्वालियर की थी, इसके राजा थे लक्ष्मण और अंतिम राजा हुए महिपाल, ग्वालियर कैपिटल हुआ करता था। फिर नरवर जो ब्रांच था कच्छपघात का, पहले राजा थे गगन सिंह माने जाते और आखिरी राजा जो है वीर सिंह देव है। नरवर के अंदर इनका कैपिटल, इनका राजधानी आपको हुआ करता था। ओके, उसके बाद दूपकुंड यहां पर आपको हुआ, दूपकुंड ब्रांच हुआ जिसका पहला कैपिटल था, जिसके पहले राजा थे युवराज और आखिरी राजा थे विक्रम सिंह। सिहोनिया और ग्वालियर, इधर पहले सिहोनिया और फिर ग्वालियर इनका कैपिटल हुआ। फिर चंदेल डायनेस्टी है, ननुक पहले राजा थे, फिर परमादि देव जो है वो राजा माने जाते जिनको पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर इनको डिफीट किया गया था, ठीक है। और कलिंजर और जेजाकभुक्ति, दो इनकी इंपॉर्टेंट, पहले कलिंजर और उसके बाद आपका जेजाकभुक्ति इनका कैपिटल हुआ करता था। इट्स परमादि देव, स्पेलिंग का थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया है। उसके बाद मालवा डायनेस्टी हुआ करती थी, मालवा डायनेस्टी आपके मालवा के रीजन के अंदर, धार के आसपास के रीजन के अंदर। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हुआ करती थी। अगर इसके पहले ओवरऑल पहले राजा की हम बात करें तो दिलावर खां गौरी पहले राजा थे और गोरी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे मोहम्मद शाह गौरी, कैपिटल धार और धार के बाद मांडू शिफ्ट हो गई। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, जहाँ पे महमूद खिलजी पहले राजा थे और महमूद शाह खिलजी आपके आखिरी राजा हुए, कैपिटल एज इट इज मांडू। उसके बाद शुजात खान, उसके बाद आप शुजात खान राजा हुए, शुजात खान के बाद आखिरी राजा जो है वो बाज बहादुर हुए और सारंगपुर बाज बहादुर का बाद में सिर्फ बाज बहादुर का कैपिटल सारंगपुर हुआ करता था। अगर कंबाइनली यहां पर आपको देखें तो मालवा सल्तनत के पहले राजा थे दिलावर खां गौरी और आखिरी राजा थे बाज बहादुर। फिर फारूकी डायनेस्टी हुआ करती थी निमाड़ में, जिसके पहले राजा थे मलिक अहमद रजा और आखिरी राजा थे उनका नाम था मीरन आदिल शाह, बुरहानपुर इनका कैपिटल था। साथ ही भोपाल स्टेट, पहले राजा थे दोस्त मोहम्मद खान, है ना, जो रानी कमलापति को डिफीट करके राजा बने और इन्होंने आखिरी राजा थे नवाब हमीदुल्ला, जो 1949 में इन्होंने भारत के
के अंदर आपको विलय किया और भोपाल इनका कैपिटल हुआ करता था। फिर ओरछा स्टेट हुआ, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला पहले राजा थे, विक्रमजीत सिंह बुंदेला वॉज लास्ट किंग ओरछा। फिर उसके बाद टहरी कैपिटल था। उसके बाद पन्ना की अगर हम बात करें, पन्ना स्टेट को छत्रसाल बुंदेला जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया। देखा जाए तो उनके पिता जो चंपत राय बुंदेला थे उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन एक्चुअल कैपिटल जो है वो पन्ना, पन्ना स्टेट के एक्चुअल फाउंडर जो है वो आपके छत्रसाल है। और आखिरी राजा माने जाते हैं आपके यादवेंद्र सिंह जो 1948 तक राजा रहे। फिर बारह चंदेरी है, पहले राजा हुए भरत सिंह और आखिरी राजा हुए मोर प्रहलाद, चंदेरी कैपिटल हुआ करता था। दतिया स्टेट की बात करें तो भगवान दास बुंदेला पहले राजा थे, आखिरी राजा हुए राजा गोविंद सिंह, दतिया कैपिटल हुआ करता था। समथर स्टेट की बात करें तो नौनेशाह गुर्जर राजा थे और आखिरी राजा हुए आपके रणजीत सिंह। उसके बाद आपका शमशेरगढ़ नाम की एक जगह थी वो उनका कैपिटल हुआ करता था। जैतपुर स्टेट की बात करें तो जैतपुर के अंदर जगत राम पहले राजा थे, आखिरी राजा हुए खेत सिंह और कैपिटल इनका जैतपुर हुआ करता था। उसके बाद पहाड़ अजयगढ़ की बात करें तो पहाड़ सिंह राजा थे, आखिरी राजा की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। छतरपुर अजयगढ़ की उस समय अजयगढ़ या आसपास का रीजन जो था, छतरपुर आसपास का रीजन कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद चरखारी हुआ तो खुमान सिंह राजा हुए, चरखारी कैपिटल था। बीजावर जो है वीर सिंह देव यहाँ पर आपको राजा थे, आखिरी राजा हुए आपके राजा रतन सिंह और कैपिटल भी बीजावर हुआ करता था। फिर खनियादाना स्टेट हुआ, खनियादाना स्टेट के पहले राजा थे अमर सिंह और शिवपुरी के पास में इनका राजधानी था। फिर शाहगढ़ स्टेट हुआ, यहाँ पे हरि सिंह राजा थे और गढ़कोटा जो है, गढ़कोटा इनका कैपिटल हुआ करता था, इनकी राजधानी हुआ करता था। फिर गोंड ऑफ गढ़ा, गढ़ा डायनेस्टी के गोंड यहाँ पर आपको हुए, जादूराई आपके पहले राजा थे, आखिरी राजा थे निजाम शाह और इनका शुरुआती कैपिटल था गढ़मंडला, फिर सिंगौरगढ़ और सिंगौरगढ़ के बाद आपका चोरागढ़। उसके बाद खेरला डायनेस्टी है या खेरला वंश जो बैतूल के पास में लोकेट, खेरला तो पहले राजा थे नारायण सिंह, कैपिटल खेरला हुआ करती थी। आखिरी राजा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा गोंड ऑफ देवगढ़, देवगढ़ के गोंड हुआ करते थे, जाटवा जो है वो पहले राजा माना जाते और अकबर शाह वाज द लास्ट किंग। ठीक है, कैपिटल छिंदवाड़ा हुआ करती थी, छिंदवाड़ा में भी हरियागढ़ नाम की एक जगह थी और बाद में फिर कैपिटल इनका कुछ समय के लिए आखिरी में नागपुर शिफ्ट हुआ। फिर गोंड ऑफ आपका मकड़ई की गोंड हुआ करते थे, थोड़ा सा कैपिटल स्पेलिंग मिस्टेक्स कॉल्ड द मकड़ई स्टेट। तो आपके करकट राय पहले राजा थे, कैपिटल जो है वो हरदा हुआ करती थी। उसके बाद होलकर हुए, मल्हारराव होलकर, आखिरी राजा हुए यशवंत राव होलकर सेकंड, महेश्वर और उसके बाद इंदौर कैपिटल थी। फिर सिंधिया स्टेट, राणोजी सिंधिया वॉज द फर्स्ट किंग, जीवाजी राव सिंधिया वॉज द लास्ट किंग और ग्वालियर कैपिटल हुआ करती थी। फिर देवास, दो स्टेट हुआ करते थे देवास में, बड़ी पाटी और छोटी पाटी। तो बड़ी पाटी मतलब जो सीनियर स्टेट था, उसके राजा थे तुकोजीराव फर्स्ट, तुकोजीराव पहले राजा थे और आपके विक्रम सिंह राव तुकोजीराव ये इनके आखिरी राजा थे, देवास इनका कैपिटल था। फिर देवास छोटी पाती, जीवाजीराव फर्स्ट या और आखिरी राजा थे, उनका नाम था यशवंत राव पवार और इनका कैपिटल भी देवास में ही हुआ करता था। एक और स्टेट था धार स्टेट, जहां पे उदाजी राव पवार वाज द फर्स्ट किंग और आखिरी राजा हुए आनंद राव पवार फोर्थ एंड कैपिटल वाज आल्सो धार, इनका कैपिटल हुआ करता था। तो ये कुछ मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट हुए, उनकी राजधानी यहाँ पर आपको हुई। उसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको ऐड कर दूँ यहाँ पे कि सेंट्रल प्रोविंस जो था मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत की अंग्रेजों के टाइम पे मध्य प्रांत की कैपिटल जो है नागपुर हुआ करती थी और उसके बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी ना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी उसका कैपिटल इंदौर हुआ करता था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। साथ ही अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप पवन लाइव कोड यूज कर सकते हैं और अनअकैडमी जैसे ही प्रीलिम्स होगा उसके बाद हमारी मेंस की बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप जाके बिल्कुल आप अच्छे से प्रीलिम्स दीजिए, उसके बाद मेंस की हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर, थैंक यू।